प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो सब। लिखा एक दोस्त दूसरे से जो कर गया उन्हें दरवाजा खटखटाया कि मेरे तीन रोटियां दे दो क्योंकि मेरा दोस्त दूरों आया। आप दोस्त सदे को मांग रहे हैं, ये अपने अपने घर दे विच अंदरों की आवाज देती है। किन्ने पढ़िया बचनों वाला कि मैं बिजी हाँ, कहना मैं सो चुका, मेरे बालक मेरे नाल बिस्तरे ते हैं, मैं सब कुछ समेट चुका पर मैं तेरे को नहीं आ सकता, सॉरी। पर लिखा उन्हें मंगना नहीं छड़िया, लिखा लज्जा छोड़कर परमेश्वर ने कहा मांगने के कारण उन्हें उसकी सारी जरूरत ने पूरा किया जो इन्हें मंगया से। पहला इन्हें की किया इस दोस्त ने मना कर देता, कहना मैं नहीं आ सकता सॉरी, मैनू दुख ना दे। पर परमेश्वर ने कहा कि इधर लज्जा छड़ गया, ये शर्म छड़ दी इन्हें, पर लगातार मंगन दे करके इस दोस्त ने इस दोस्त नु उठ के इस दोस्त नु खाना देना पया। समझ आ रही सब? इंग्लिश बाइबल लिखा, इंग्लिश बाइबल लिखा कि पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त नु इस करके नहीं दिता, जरा अंदर सिगा उन्हें इस करके नहीं मंगन दिता कि वो दा दोस्त है, पर वो दे लगातार लज्जा छाटे के मंगन दे करके उन्हें दिता। यीशु मसीह कह रहे हो कितने वचन पढ़ो, लूका दी पुस्तक पढ़ो, सब जन बैठ जाओ। किन्ने नूं पता लूका के नहीं दे विच आओ तो मिलके जाना मैनूं, आमीन। पता है अगर सही निकला था सही है। पांच आयत में लिखा था उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्रों और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उत्तर दे नहीं दे सकता। माइक को और सिंपल कर दो, क्लैप कर दो। मैं तुमसे कहता हूं यीशु मसीह ने कहा यदि उसका मित्र होने पर भी वह उसके उसको उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ध्यान ना समझो, मैं नहीं कह रहा है, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलन कह रहे हैं कि एक दोस्त दूसरे को गया। एक पावरफुल वचन है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया मेरे को बहुत सारी गल्ला डिस्कस करनी है, लेकिन अगर आप ये गल समझ जाइए तो ब्लेस आप, आमीन। यीशु मसीह ने समझाया कि एक दोस्त दूसरे को गया, उन्हें दिता नहीं, अंदरों मना करता, लेकिन बार बार मंगन दे करके उन्होंने देना पाया। फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कि जे एक दोस्त दूसरे नु दे सकता है तो परमेश्वर तुम्हें दे सकता है। इंग्लिश की बाइबल लिखा कि एक पहले दोस्त ने दूसरे नु इस करके नहीं दिता कि वह दोस्त है, बल्कि लगातार ओदे मंगन दे करके उन्हें दिता। उन्हें अब बड़ी आयत पढ़ी मत्ती दे विच, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो तो यीशु मसीह की होया, बाइबल च लिखा वह व्याकुल सीगा, ओदा पसीना लहू दे वांगू टपक रहा सीगा। आप लोगों कहने की इतनी प्रेयर करते हो, कहते नहीं, क्यों? मेरी चिंता बहुत है, तुहाडी चिंता तुहाडी प्रॉब्लम नू ते शैतान दे आने वाले अटैक नू कदी घट नहीं कर सकती। आज मेरा दिल घबरा रहा, तुरा दिल घबराने नाल अगर दी प्रेयर ना करो तो परीक्षा च पहुंच गया अगले टाइम दे विच। द्वारा पढ़ो मती वाला पूरा, ध्यान ना समझो सब जन, मती 26। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं यहां जाकर प्रार्थना करूं।
वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। 40 आयत में पढ़ो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने की क्या कहते, जागते रहो कि तुम प्रार्थना करते रहो तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने कहा कि अगर तेनु प्रॉब्लम होए तो तुम प्रार्थना ना करी। परमेश्वर ने कहा जागदा रहे ते प्रार्थना करता रहे।